आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है, जो सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि जो रिटायर एम्प्लॉइज के इनकी जो लाइफ मिलती है स्टेट में भेजी जाए, उस पर एक कमेटी बनी थी जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, FALCO, जनरल मैनेजर एडल, मैनेजर फाइनेंस, उस कमेटी ने बिल बनवाए थे, बिल स्टेट में जो लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में चले गए थे। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला था कि इनको पहले बोर्ड मीटिंग में रखो, उसको बोर्ड मीटिंग में रखा। जब बोर्ड मीटिंग की बारी आई, पैसे की बारी आई, तो सेम कमेटी जो बिल बनाने वाले थी, बड़े बड़े ऑफिसर थे SRTC के, बाद में उन्होंने कहा कि इनकी लाइबिलिटी कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है, हमें डाउट है, या तो उन्होंने किसी के प्रेशर के नीचे ये काम किया है, या उनको अपनी पावर का पता, इनके अपनी पावर क्या है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने के नाते, गवर्नमेंट अफसर होने के नाते उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से रिटायर एम्प्लॉइज हरासमेंट हुए। ये जो पीछे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई 86 में, उसने ये सब कुछ किया हुआ है। हमें स्ट्रगल करते हुए आज 10 साल हो गए। इस 10 साल के दौरान हमारे 75 एम्प्लॉइज की, रिटायर एम्प्लॉइज की डेथ हो गई, जो सीधी सीधी जिम्मेवारी इस कमेटी पर है, जो ये गलत अफिसर कुर्सी पर बैठाए हुए हैं। हम LG साहब से अपील करते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको डायरेक्शन दी जाए, ताकि बोर्ड मीटिंग दोबारा हो, और जो हमारी जो लाइबिलिटी है रिटायर एम्प्लॉइज की जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बोर्ड मीटिंग में रख कर पास किया जाए और हमें पैसा दवाया जाए। क्यों? हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो एरियर था, कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, इसी पैसे पर हमारे लोगों का दरबदार था। लेकिन वो सरकार पैसा दे रही है, लेकिन जो बीच में ये लोग फंसे हुए ऑटोमेटी वाले, इन्होंने काम खराब दिया हमारा। हम फिर सरकार को वार्निंग देते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग नहीं हुई और हमारी लाइबिलिटी समय में नहीं रखी गई, तो हम 15 दिन के बाद MD के कार्यालय का ग्रहण करेंगे।